और ये बड़े जिद बैठा हुआ हिटलर के मार्फत कि जब तक हिंदुस्तान को बर्बाद नहीं कर लेगा तब तक ये व्यक्ति मानेगा नहीं। अगर 2024 में ईवीएम से चुनाव होता है देश में कोई चुनाव नहीं होना, तानाशाही होगी। मस्जिद की मीनारें बोली मंदिर के गुंबदों से, आओ अपना देश बचा लें इन संघी लंगूरों से। आज ईवीएम से मोहब्बत क्यों? ईवीएम इस देश के साथ धोखा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मोदी सरकार मिलकर के ईवीएम के मार्फत जनता के वोट पे डकैती डाल रही है और अर्धनिर्मित राम मंदिर का ये उद्घाटन कराने जा रहा है। तरीको लज्जा इन भाजपाइयों को नहीं आ रही है। ईवीएम का विरोध होना चाहिए, ईवीएम से चुनाव बंद होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। जब मोबाइल हैक हो सकता है, कंप्यूटर हैक हो सकता है, तो ये ईवीएम मशीन हैक क्यों नहीं हो सकती? जब शंका हुई कि हम फंसेंगे, हमारा गला फंसेगा, बंगलौर भेज दिए जी। 19 लाख मशीनें गायब हैं, कहां गई? हिसाब बताने में तुम्हारी नानी याद आ रही। जनता के अधिकार के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मुख्य चुनाव आयोग खिलवाड़ मत करो, हिंदुस्तान की जनता है। क्या चाहते हो? देश में गृह युद्ध हो? ईवीएम अब वो ईवीएम नहीं रह गई, हिंदुस्तान की जनता के साथ ईवीएम धोखा है। क्या कारण है? क्यों भाग रहा है ये? इसका मतलब ये बेईमान है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ईवीएम पर जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहा है और अब तो देशव्यापी आंदोलन होने जा रहे हैं, लगातार क्रमबद्ध तरीके से ये बना दिया गया है कि ईवीएम को लेकर कब कब कहां कहां प्रदर्शन होने जा रहे हैं, और इससे साफ पता चलता है कि पूरे देश में ईवीएम को लेकर कितनी नाराजगी है। वहीं चुनाव आयोग भी लगातार सफाइयाँ दे रहे हैं, उसके बाद से चुनाव आयोग पर भी सवाल उठने लग गए हैं। इसी बातचीत पर हमारे साथ बात करेंगे जयप्रकाश चतुर्वेदी जी। क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के वकील लगातार सड़क पर आ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और अब जो है पूरे भारत में ईवीएम के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चल गई है। मस्जिद की मीनारें बोली मंदिर के गुंबदों से, आओ अपना देश बचा लें इन संघी लंगूरों से। मेरे कहने का प्राय यह है कि ईवीएम जब कांग्रेस के जमाने में थी वो ठीक थी, पारदर्शिता थी, लोगों को विश्वास था कि जो वोट पड़ रहा है वो वोट हम जिसको देना चाह रहे हैं उसको मिल रहा है। लेकिन 2014 के बाद 2019 और तमाम चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ हो, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, या राजस्थान का, या गुजरात का, पंजाब का, जहां का भी, मैं ये पूछना चाहता हूं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कि जब इस देश का बेरोजगार नौजवान दुखी, किसान दुखी, महिलाएं पीड़ित, श्रमिक दुखी, छोटे मझोले व्यापारी दुखी, तो क्या कारण है कि वोट बीजेपी को ही मिल रहा? जब ये लोग नाराज चल रहे हैं, बीजेपी को वोट नहीं देना चाह रहे हैं, तो किस लिए? आप मुझे बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में महिला उत्पीड़न का सबसे एक नंबर पूरे देश में चल रहा, मणिपुर में लड़कियां नंगी घुमाई जा रही हैं, तो आप मुझे बताइए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बतावें कि जब छत्तीसगढ़ का बसपा का प्रत्याशी कह रहा है कि मेरे गांव में मेरे परिवार में 12 वोट, हम सोच ले रहे हैं कि हमारे घर का वोट के अलावा और किसी का नहीं मिला, तो वहां 0 कैसे आया कि उस प्रत्याशी का वोट भी उसको नहीं मिला? तो शक की सुई तो है भाई, ईवीएम में कुछ गड़बड़ी कर रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिल करके, प्रोग्राम फिट करके कर रहा है। जब तमाम साइंटिस्ट ने ईवीएम हैक करके दिखा दिया, पारदर्शिता लाए, आप मुझे बताइए कि श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू जब चीफ मिनिस्टर गुजरात थे, इन्होंने क्या कहा था कि अमेरिका टेक्नोलॉजी में कोसों दूर है, भारत छू भी नहीं सकता उसको, उसके वहाँ ईवीएम से नहीं चुनाव होता है। जापान जिसने ईवीएम निर्मित किया उसके वहाँ नहीं होता, जर्मनी में नहीं होता, इंग्लैंड में नहीं होता, तमाम देशों में नहीं, तमाम देशों में बैलेट पेपर से चुनाव होता है। तब कहे कि भाई यहाँ बैलेट पेपर से होना चाहिए। इनके आडवाणी जी आंदोलन चलाए, इनके एक साउथ इंडिया के एमपी ने किताब लिख डाली ईवीएम के विरोध में। आज ईवीएम से मोहब्बत क्यों?
तो वो भी तो यही कह रहे हैं कि उस वक्त जब कांग्रेस की सरकार थी ईवीएम हैक होता था, अभी हमारी सरकार है, हम स्वच्छता से करवा रहे हैं चुनाव। आप बताइए कि बसपा के घर वाले प्रत्याशी के आरोप को के ऊपर क्या जवाब देंगे भाई? उसकी बीवी का वोट नहीं मिला, उस स्वयं वोट अपना दिया अपने को, तो उसको भी वो भी तो नहीं मिला। तो इसका मतलब साफ है कि ईवीएम इस देश के साथ धोखा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और भाजपा सरकार, मोदी सरकार मिलकर के ईवीएम के मार्फत जनता के वोट पर डकैती डाल रही है। अगर 2024 में ईवीएम से चुनाव होता है तो जिस तरह से रसिया की स्थिति है या चाइना की स्थिति है, देश में कोई चुनाव नहीं होना, तानाशाही होगी, तानाशाही होगी, ब्रिटिश गुलाम होगा देश। तो मेरे कहने का प्राय है कि ये आप बताइए कि अब इसको इतना जल्दी इससे डाइवर्ट करने के लिए हिंदुस्तान की जनता से के दिमाग को अर्धनिर्मित राम मंदिर का ये उद्घाटन कराने जा रहा है, तनिको लज्जा इन भाजपाइयों को नहीं आ रही है? मोहन भागवत कहता है फर्जी ब्राह्मण बना फिर रहा, सनातन धर्म के धर्म गुरु जगत गुरु शंकराचार्य होते हैं, उनसे ऊपर देश का कोई साधु संत नहीं होता। हमारे धर्म गुरु जगत गुरु शंकराचार्य होते हैं, उन्होंने बहिष्कार कर दिया राम मंदिर उद्घाटन का, और ये बड़े जिद पैदा हुआ हिटलर के मार्फत कि जब तक हिंदुस्तान को बर्बाद नहीं कर लेगा तब तक ये व्यक्ति मानेगा नहीं। तो ईवीएम का विरोध होना चाहिए, ईवीएम से चुनाव बंद होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। चुनाव आयोग जो है वो जन जागरूकता अभियान चला रहा है, जनता को बता रहा है ईवीएम किस तरीके से काम करता है। वो कह रहा है कि विपक्षी पार्टियां और जो लोग भी ईवीएम के खिलाफ बात करते हैं वो जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वैज्ञानिक है, IAS अफसर रहे हैं ना, IAS अफसर वैज्ञानिक नहीं होता है, वो अब्दुल कलाम नहीं हो जाएंगे, मिसाइल मैन नहीं हो जाएंगे। जब मोबाइल हैक हो सकता है, कंप्यूटर हैक हो सकता है, चंद्रयान अब जो है आसमान में हवा में उसकी उस टेक्नोलॉजी को चेंज किया जा सकता है, टीवी हैक की जा सकती है, तमाम जो है बैंक हैक किए जा सकते हैं, तो ये ईवीएम मशीन हैक क्यों नहीं हो सकती? उसमें चिप होता है, प्रोग्राम फिट किया जाता है। जिस तरह से होगा भाई, आप हम 50 वोट डालना है किसी को, आप 50 वोट दीजिए वो सीधे बीजेपी में चला जाएगा। प्रोग्राम जो फिट करेंगे वही जाएगा, वही बोलेगा। लेकिन ये भी तो कह रहा है चुनाव आयोग कि बिना उसको छुए हैक करके दिखा दीजिए, क्योंकि हम जब चुनाव के लिए भेजते हैं ईवीएम पूरी तरीके से चेक करते हैं उसके बाद भेजते हैं, तो उसके बाद हैकिंग होनी सकती है। 19 लाख बताइए, 800 जो ईवीएम मशीन है जहाँ बिजली उजले है, जिस स्टोर रूम में रखी गई जहाँ बिजली का तार नहीं है, वो जल कैसे गई? जो हुआ तो 8,500 जो ईवीएम मशीन बैलेट पेपर जो बीपैड वगैरह मशीन उसे बदल बोले इसमें टेक्निकल खराबी है, भेज दिए। चुनाव में नहीं टेक्निकल खराबी थी, जब शंका हुई कि हम फंसेंगे हमारा गला फंसेगा बंगलौर भेज दिए जी। 19 लाख मशीनें गायब हैं, कहाँ गई? हिसाब बताने में तुम्हारी नानी याद आ रही। तो जनता के अधिकार के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मुख्य चुनाव आयोग खिलवाड़ मत करो, हिंदुस्तान की जनता है। क्या चाहते हो? देश में गृह युद्ध हो? कैसे हिटलर को आत्महत्या करनी पड़ गई थी? मेरे कहने का मतलब एक मुद्दा, जब जो है पूर्व सेनाध्यक्ष ने अग्निवीर योजना पर उठाया सवाल, तुरंत ही राम मंदिर आंदोलन, राम मंदिर जो है उद्घाटन, राम मंदिर उधर चले गए। ईवीएम पर सवाल उठ रहा, राम मंदिर, राम मंदिर, राम राम के नाम पर भीख मांगी जा सकती है, तपस्या की जा सकती है, राम मंदिर से रोजगार नहीं होता मिलता। क्या क्या इन्होंने बनाया है इस देश में? टॉयलेट, इज्जत घर का, इज्जत घर बेचेंगे मोदी, बेचे अडानी अंबानी को? तो मेरे कहने का प्राय यह है कि ईवीएम अब वो ईवीएम नहीं रह गई, हिंदुस्तान की जनता के साथ ईवीएम धोखा है।
एक सवाल और पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील सड़क पर उतर रहे हैं, लगातार पैदल मार्च कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं ईवीएम 24 के चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले बंद हो जाए, लेकिन कोई विपक्षी पार्टी उनका साथ देने नहीं आई है, कोई समर्थन में नहीं गया उनके। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंडिया गठबंधन के जितने घटक दल हैं, इन्होंने समय मांगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, आज 5 महीने हो गए समय नहीं दे रहा, क्या कारण है, क्यों भाग रहा है ये? इसका मतलब ही बेईमान है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसलिए भाग रहा है। जयराम रमेश साहब ने कई चिट्ठी लिखा, कांग्रेस के तरफ से कई बार उनसे कहा गया कि हम मिलना चाहते हैं, समय नहीं देता, मिलने में क्या दिक्कत हो रही है तुम्हें? इससे पहले तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिलते थे, अब क्या हो गया दिक्कत तुमको? तो इसका मतलब है चोर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अभी भी सवाल वही है कि अलग अलग गुटों में जो है ये लड़ाई चल रही है, एकजुटता नहीं है ईवीएम को लेकर, ना विपक्ष उनके साथ आ रहा है, अलग अलग जो है पूरे देश में मुहिम चल रहा है, लेकिन सब बटे हुए हैं अलग अलग। आप मुझे बता दीजिए कि मैं आपके चैनल के मार्फत ये बताना चाहता हूँ, स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में धीरे धीरे पूरे देश के नागरिकों ने भाग लिया। पर अभी समय नहीं है ना, 3 महीने बचे हैं चुनाव को। चुनाव का बहिष्कार होगा और क्या होगा, राम मंदिर का बहिष्कार हुआ ना, कि अर्धनिर्मित राम मंदिर का बहिष्कार हुआ, सनातन धर्म की परंपराओं का जब की अवहेलना हो रही थी हुआ ना, तो ईवीएम का बहिष्कार होगा। हाँ, तो क्या जनता वोट डालने नहीं जाएगी? नहीं जाएगी, जनता भी बहिष्कार करेगी। हाँ, बूथ के बूथ खाली मिलेंगे। आपने जनता के बीच गए हैं, जनता से बात की है कि वो जाएगी कि नहीं जाएगी? मैं काफी जगह घूम घाम करके आया हूँ, जनता का मूड भांप के आया हूँ। जनता कह रही है ईवीएम धोखा है, हम जिसे वोट देना चाहते हैं वहाँ पहुँच ही नहीं रहा, इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, वरना चुनाव नहीं होगा। नहीं हो। और विपक्षी पार्टियां भरेंगी कि नहीं चुनाव के लिए, जाएंगी कि नहीं? नहीं जाएंगी। आप ऐलान कर रहे हैं? मैं कर जनता के तरफ से। आपके बड़े नेता ने कुछ नहीं कहा? हमारे बड़े नेता, देखिए, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, घर घर तक, जब तक देशवासियों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हमारे पंडित राहुल गांधी देश का चक्कर लगाते रहे, हर घर जाएंगे। ठीक है, तो आप सुन सकते हैं किस तरीके से जो है एक मुहिम छिड़ गया है देश में, और ये 24 का जो चुनाव जिसका इंतजार किया जा रहा था, लोकसभा चुनाव का जिसका इंतजार किया जा रहा था, वो बेहद करीब है। 3 महीने बचे हैं और लगातार ये मुहिम छिड़ गई है और मांग हो रही या तो ईवीएम बैन कर दी जाए या फिर चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा, जनता द्वारा भी और विपक्षी पार्टियों द्वारा भी। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ड्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।